मुझे ऐसा लगता था जैसे दुनिया मेरी खुशी की देनदार है। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने कंधों पर यह भारी बोझ उठाए हुए हूँ, दुनिया से यह उम्मीद करते हुए कि वह मुझे खुश करे। माइक 35 साल का एक जवान लड़का खुशी के क्षणभंगुर पलों के पीछे भागता रहा, इस यकीन के साथ कि खुशी कोई बाहरी चीज है, कोई ऐसी चीज जो दी जानी है, कमाई नहीं जानी। निराशा उसका पीछा एक परछाई की तरह करती रही। वह खुद को जिंदगी से ठगा हुआ महसूस करता था, इस बात से निराश था कि खुशी उसके लिए मायावी बनी हुई है। दुनिया, उसने सोचा, उसके खिलाफ है। मेरे दिन उस खुशी की तमन्ना में बीतते थे जो हमेशा मेरी पहुंच से बाहर लगती थी। मैं खुद को परिस्थितियों का शिकार महसूस करता था। मेरा दिमाग नाराजगी और असंतोष की पैदाइश गाह बन गया था। जितना ज्यादा वह अपनी खुद की नाखुशी पर ध्यान केंद्रित करता था, उतनी ही ज्यादा वह स्पष्ट होती जाती थी दुनिया के बारे में और उसमें अपनी जगह के बारे में उसकी धारणा को रंगती जाती थी। वह एक रास्ते की तलाश में था, उस खुशी के रास्ते की तलाश में था जिसकी उसे इतनी बेसब्री से चाहत थी। उसे क्या पता था, इसका जवाब बाहरी मान्यता में नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराई में छिपा है। सांत्वना और जुड़ाव की तलाश में मैंने डिजिटल दुनिया का रुख किया। सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रॉल करते हुए अनगिनत घंटे बिताता रहा। वह मुस्कुराते हुए चेहरों, विदेशी छुट्टियों और गर्व करने लायक उपलब्धियों से भरी हुई दिखावटी रूप से परफेक्ट जिंदगियों की तस्वीरों से घिरा हुआ था। सुकून पाने की बजाय माइक निराशा में डूबता चला गया। तुलना एक चोर बन गई जो उससे उसका आत्ममूल्य छीन रही थी और उसकी अपर्याप्तता की भावनाओं को बढ़ा रही थी। मैं उस खुशी की छवि को फिट करने और पेश करने के लिए बेताब था जिसे मैं महसूस नहीं करता था। मैंने अपनी मुस्कुराती हुई सामाजिक समारोहों में शामिल होने और जीवन का पूरा आनंद लेते हुए ध्यान से तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दिया। विडंबना साफ दिख रही थी। अपने ऑनलाइन व्यक्तित्व और अपने वास्तविक स्व के बीच की खाई को पाटने के बजाय उसके प्रयासों ने खाई को और चौड़ा कर दिया। एक खुशहाल बाहरी व्यक्तित्व को चित्रित करने के उसके प्रयासों ने उसे और भी अलग थलग और अकेला महसूस कराया। जितना अधिक मैंने खुशी के भ्रम का पीछा किया उतना ही मैं इसके असली सार से भटकता गया। एक दिन अपने जीवन के शोर शराबे के बीच माइक पर एक गहरा एहसास हुआ, दुनिया का उसको खुश करने का कोई दायित्व नहीं था। ये एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी विचार था जिसने मुझे बिजली की तरह झकझोर कर रख दिया। ये एहसास किसी सेल्फ हेल्प किताब या मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं आया, ये मेरे अपने अस्तित्व की गहराई से उठा, मेरी अपनी आत्मा की बुद्धि का एक फुसफुसाहट। ये निराशा का कारण नहीं था, ये कार्रवाई के लिए एक आह्वान था। उसने समझा दुनिया उसकी हर इच्छा और चाहत को पूरा करने के लिए नहीं बनी थी, ये एक तटस्थ भूमि थी, एक कैनवास था जिस पर वह अपनी उत्कृष्ट कृति बना सकता था। दुनिया मुझे खुश करने के लिए यहाँ नहीं थी, यह मुझे सचेत करने के लिए यहाँ थी। अपनी शक्ति के प्रति सचेत, अपने विकल्पों के प्रति सचेत और जीवन के अपने अनुभव को आकार देने में अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत। इस नई स्पष्टता के साथ माइक दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगा। उसने पहचाना कि चुनौतियां, असफलताएं और निराशाएं व्यक्तिगत हमले नहीं हैं, बल्कि विकास और आत्मखोज के अवसर हैं। मैंने असुविधा को स्वीकार करना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि यह अक्सर किसी बड़ी चीज के रास्ते पर एक संकेत होता है। उसने महसूस किया कि जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर उसके भीतर की सुंदरता को प्रकट करता है, उसी तरह जीवन की चुनौतियां उसे आकार दे रही थीं, उसे परिष्कृत कर रही थीं और उसकी वास्तविक क्षमता को प्रकट कर रही थीं। मैंने जीवन के तूफानों का स्वागत करना सीख लिया, डर के मारे नहीं बल्कि एक शांत विश्वास के साथ कि मेरे पास उनका सामना करने के लिए आंतरिक शक्ति है। पार की गई हर बाधा, हर चुनौती का सामना मेरे लचीलेपन का प्रमाण और व्यक्तिगत विकास की मेरी यात्रा पर एक कदम बन गया। वह समझ गया था कि असली बदलाव के लिए एक्शन की जरूरत होती है, उसके अंदर के बदलाव का एक शारीरिक रूप। माइक का बदलाव का सफर सिर्फ विचारों और विश्वासों तक ही सीमित नहीं था। मैंने नियमित रूप से कसरत करना शुरू कर दिया, अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाया और अपने शरीर की ताकत और लचीलापन के लिए एक नए सिरे से सराहना की खोज की।
जिम में उन्होंने जो अनुशासन पैदा किया वह उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। जैसे जैसे उसने अपने शरीर को उसके कंफर्ट जोन से बाहर धकेला, उसने अपने मानसिक और भावनात्मक परिदृश्य में एक समान बदलाव देखा। मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीला, अपने और दूसरों के साथ अधिक धैर्यवान और उद्देश्य और अर्थ से भरपूर जीवन जीने के लिए अधिक दृढ़ हो गया। उनके द्वारा पार की गई शारीरिक चुनौतियां उन मानसिक और भावनात्मक बाधाओं के लिए एक रूपक बन गईं जिन्हें वह जीतना सीख रहे थे। माइक ने अपनी नाखुशी को एक दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दिया जिससे बचना है, बल्कि एक शिक्षक के रूप में जिससे सीखा जा सके। उसने महसूस किया कि अक्सर उसकी नाखुशी जो थी उसका विरोध करने से उपजी थी, उन उम्मीदों और जुड़ावों से चिपके रहने से जो अब उसकी सेवा नहीं करते थे। मैंने अपनी नकारात्मक भावनाओं को एक नई जिज्ञासा के साथ देखना शुरू कर दिया, मेरे दुख के मूल कारणों की खोज। आत्मचिंतन की यह प्रक्रिया हमेशा सहज नहीं थी, लेकिन अपने दर्द का सामना करने से ही माइक ठीक होने लगा। मैंने अपनी बेचैनी के साथ बैठना सीखा, इसे बिना किसी फैसले के देखने के लिए और इसे एक लहर की तरह मेरे पास से गुजरने देने के लिए। अपनी खामियों और सभी के साथ अपनी इस मानवता को स्वीकार करना ने आंतरिक शांति और आत्मकरुणा की गहरी भावना का मार्ग प्रशस्त किया। माइक को यह समझ में आया कि दुख, हालांकि अप्रिय है, मानवीय अनुभव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। यह हमारी चुनौतियों और कठिनाइयों के माध्यम से है कि हम बढ़ते हैं, विकसित होते हैं और अपनी और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ विकसित करते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ज्यादातर दुख खुद पैदा किया हुआ था, उन कहानियों से पैदा हुआ था जो मैंने खुद को बताई थीं, उन सीमित मान्यताओं से जिन पर मैंने कायम था और उन नकारात्मक विचारों के पैटर्न से जिन्हें मैंने अपने दिमाग पर हावी होने दिया था। अपने विचारों और वास्तविकता को आकार देने की उनकी शक्ति के बारे में जागरूक होकर माइक ने खुशी चुनने की अपनी सहज शक्ति को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। मैंने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, सीमित मान्यताओं को सशक्त बनाने वाले विचारों से बदलना और अधिक सकारात्मक और दयालु आंतरिक संवाद विकसित करना सीखा। इस प्रक्रिया के माध्यम से दुख निराशा के स्रोत से आध्यात्मिक विकास और जागृति के लिए एक उत्प्रेरक में बदल गया। The power of now, stillness over storms। आत्मखोज की माइक की यात्रा ने उन्हें उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति तक पहुंचाया। उसने सीखा कि सच्ची शांति किसी दूर के भविष्य में या अतीत को जीने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पाई जाती है। अपने ध्यान को यहाँ और अभी पर लाकर माइक अपने मन की निरंतर बकबक को शांत करने और जीवन के तूफानों के बीच शांति की भावना पाने में सक्षम था। उसने पाया कि जितना अधिक उसने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया, उसके नकारात्मक विचारों का उस पर उतना ही कम प्रभाव पड़ा। अतीत, अपने पछतावे और क्या होता अगर के साथ पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया और भविष्य अपनी अनिश्चितताओं और चिंताओं के साथ उसके दिमाग पर अपनी पकड़ खो बैठा। वर्तमान क्षण की शांति में माइक को एक अभयारण्य मिला, शांति और शांति का स्थान जो हमेशा उसके भीतर था, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। सच्ची शांति की तलाश, जीवन की परिपूर्णता को अपनाना। जैसे जैसे माइक ने वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से जीना सीखा, उसने शांति और संतोष की एक ऐसी गहराई की खोज की जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वह क्षणभंगुर खुशी नहीं थी जिसका मैंने इतने लंबे समय तक पीछा किया था, बाहरी परिस्थितियों और क्षणभंगुर सुखों पर निर्भर। यह कुछ गहरा, अधिक गहन और अधिक स्थायी था। उसने पाया कि सच्ची शांति चुनौतियों या दर्द की अनुपस्थिति के बारे में नहीं थी, यह जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह, लचीलापन और अपनी आंतरिक शक्ति में अटूट विश्वास के साथ नेविगेट करने के बारे में सीख रहा था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी हर समय अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं थी। ये मानवीय भावनाओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम, अच्छे, बुरे और बदसूरत को गले लगाने और हर अनुभव में सुंदरता और अर्थ खोजने के बारे में था। आत्मखोज और स्थायी संतोष की यात्रा। माइक का परिवर्तन का सफर पूर्ण सुख के किसी मायावी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं था। यह आत्मखोज, विकास और आंतरिक शांति की खेती की सतत प्रक्रिया के बारे में था। उसे समझ में आया कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है, अपने अस्तित्व की गहराई की खोज करने
और अपने भीतर छिपी अनंत क्षमता की खोज करने का एक आजीवन साहसिक कार्य। उसने अभी भी चुनौतियों, असफलताओं और संदेह और निराशा के क्षणों का अनुभव किया, लेकिन उसने अब इन अनुभवों को खुद को परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। उसने जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, अनुग्रह और विपत्ति को दूर करने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ करना सीख लिया। उसने पाया कि सच्ची खुशी दर्द या पीड़ा से रहित जीवन जीने के बारे में नहीं थी, यह जीवन की चुनौतियों के साथ नृत्य करना सीखने के बारे में था, अपने संघर्षों में अर्थ और उद्देश्य खोजने के बारे में था, और जीवन के तूफानों से मजबूत, समझदार और अधिक दयालु बनकर उभरने के बारे में था। आपकी बारी, खुशी चुने। माइक का सफर एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है, ये ऐसी चीज है जिसे हम चुनते हैं। ये एक सचेत निर्णय है जो हम हर दिन अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने, छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञता खोजने और जीवन के प्रति सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लेते हैं। ये खुद से बिना शर्त प्यार करने, खामियों और सभी के साथ, और दया, करुणा और समझ के साथ, खुद के साथ और दूसरों के साथ व्यवहार करने के बारे में सीख रहा है। हो सकता है कि दुनिया आपको खुश करने के लिए यहाँ ना हो, लेकिन यह आपके लिए अपनी खुशी खुद पैदा करने के लिए एक उपजाऊ ज़मीन है। यात्रा अंदर से शुरू होती है, दृष्टिकोण में बदलाव से, चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा से और वर्तमान क्षण में जीने की प्रतिबद्धता से। आज ही शुरू करें, खुशी चुने। जैसा कि बुद्ध ने बुद्धिमानी से कहा है, खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। अपनी यात्रा साझा करें, दूसरों को प्रेरित करें और साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो अधिक शांति, आनंद और पूर्णता से भरी हो। खुशी कोई तैयार चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। दलाई लामा, अधिक सामग्री के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं।